अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और हमारा टॉपिक जो है वो फेस शोइंग। आज हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु केम टू द नरेटर्स विलेज, यानी कि नरेटर जो इसका राइटर है ना, उसके घर में, उसके गांव में कौन आया। ठीक है जी, तो इसका आंसर है बेटा रहीम बीबी came to the author's village, यानी कि रहीम बीबी आई थी उसके गांव में। वो कौन थी बेटा, जिसकी नई नई शादी हुई थी। शी वॉज अ न्यूली वेडेड ब्राइड ऑफ द वॉशवुमन सन, वॉशिंग धोबन। वॉशवुमन किसको बोलते हैं बेटा, धोबन को, है ना। उसका जो बेटा था उसकी बीवी थी वो, कौन, रहीम बीबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द नरेटर्स मदर aunt एंड हिज एल्डर ब्रदर वाइफ गिव द न्यूली वेडेड ब्राइड, यानी कि नरेटर की माँ, उसकी चाची और उसके भाई की बड़ी बीवी, यानी कि उसकी भाभी ने जो नई दुल्हन आई थी, है ना, न्यूली वेडेड ब्राइड, यानी कि जिसको अपनी जबान पे बोटिया आते हैं। ठीक है जी। हाँ, यानी कि उसको सुन के देता। तो इसका आंसर है बेटा द नरेटर्स मदर गिव हर ए पेयर ऑफ बैंगल्स। बैंगल्स के बारे में चूड़ियाँ, बंगाली जिसको ऐसे अपनी जुबान में जाते हैं, पेयर ऑफ बैंगल्स यानी कि बंगाली चूड़ी दीती। द aunt गिव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट्स, यानी कि जो उसकी चाची आशी उसके देते उसको एंकलेट देते, यानी कि जेड़े पैरों में नहीं बांधते हैं कुड़ियाँ, है ना, खास कर। तो द एल्डर ब्रदर्स वाइव गिव हर ए पेयर ऑफ सिल्वर टो रिंग्स, यानी कि उसकी जी परजाई आसी है ना, बड़े प्राउडी करा आली आसी, उसने उसको भेजता, यानी कि पैरों दिया अंगलियां भी रिंग बने छोटे छोटे, है ना, सिल्वर टाइप दे, तो वो उसने उसको देते आसे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है द नरेटर सिस्टर इन लॉ सैड ओनली हर कंप्लेक्शन इज फेयर द फेस फुल ऑफ फ्रैंकल्स दिस शोज शी इज, यानी कि नरेटर की जी सिस्टर इन लॉ आसी, सिस्टर इन लॉ के बाद सारी को, ठीक है ना, ओनली हर कंप्लेक्शन, यानी कि उसका रंग थोड़ा क्या चेहरे रंग क्या साफ है, लेकिन उसके जेड़े चेहरा है ना, ये उसके फ्रैंकल उसी नजर आंदा, हाँ कि भाई वो क्या आसी, नाइस आसी, अच्छी आसी, एरोगेंट आसी, वैन आसी, हमला आसी। तो इसका आंसर है बेटा दिस शोज शी इज वैन एन एरोगेंट। ठीक है, यानी कि उसको की जलन होनी आसी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड अ न्यू डिवाइडेड ब्राइड डू आफ्टर 3 or 4 days, यानी कि जिसले नई नई बोटी नहीं है ना, 3-4 दिन से बाद उसको के काम शुरू हो गया ना बच्चा। हाँ, तो इसका आंसर है शी स्टार्टेड ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द विलेज वैली, यानी कि वो गांव के कुएं से क्या लाती है बेटा, पानी लाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। खुदा हाफिज़।